राम राम भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो आज वो दिन है तो हम यात्रा पर निकल रहे हैं। चलिए तो मैं बता दूँ आपको ज़्यादा देरी ना करते हुए कि कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए मथुरा के अंदर। जी हाँ, हम जाएंगे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए और दर्शन करेंगे वहाँ। और इस वीडियो में हम आपको वहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि आप कभी जाते हो तो आपको वहाँ पर कहाँ कहाँ जाना है, कैसे पहुँचना है, तो वो सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बिना स्किप करे इस पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो हाँ, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बाइक से जाने वाला था मैं, तो बाइक को मैंने ओके कर लिया था एकदम। उसमें जो कमियाँ थी वो ख़त्म कर दी थी सारी। तो अब बाइक से नहीं जा रहे क्योंकि ठंड बहुत है, तो अब गाड़ी से निकलेंगे। तो गाड़ी से कौन कौन जा रहा है, तो गाड़ी में ही मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं एक बार, लेकिन गिरिराजी महाराज की जय घोष के साथ यात्रा को शुरू करते हैं। तो आइए पहले प्रभु के चरणों में एक बार दंडौत लगा ली जाए, उसके बाद यात्रा आगे की शुरू करी जाए। तो चलिए आइए। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायणाय। बंसी वाले लड्डू गोपाल देवी सदा जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। तो फोन आ रहा है जिनके साथ हमें जाना है, तो फोन कर रहे हैं। आजू अरे तुम यार तरीका वरीका मत पूछो, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। हाँ ठीक है विकास बाबू, बस पहुंच रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तो चलो जी। फोन आ गया, गाड़ी बाहर आ गई है, तो इंतजार कर रहे हैं ये लोग। कौन कौन है गाड़ी में सबसे मिलते हैं, तो आइए। हाँ जी, इंतजार करना पड़ा। बहुत ज्यादा। अरे मुस्कुराओ नहीं यार, बहुत ज्यादा करना पड़ा। तुम चलाओ। तो शिवम है, ये आशु है, और ये प्रथम, और हाँ भाई, हम चार लोग जा रहे हैं गोवर्धन महाराज। वो चल रहे हो? ओए तुम्हारी वजह से खाना बन गया है। आ बैठो, बैठ बैठा बैठा साथ में बैठा, जबरदस्ती बैठा। ओए तो भैया ऐसा कुछ सीन है कि आप यहाँ से गोवर्धन निकलेंगे। गोवर्धन कितना होगा यहाँ से? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर के आसपास यहाँ से गोवर्धन है, तो यहाँ से 2-2.5 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे और फिर गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करेंगे, जो कि 5 घंटे से 6 घंटे लगेंगे। शाम को वापसी का भी सीन है, अगर बंसी वाले ने सब ठीक ठाक परिक्रमा लगा दी तो। जय हो। तो यात्रा शुरू करने से पहले एक बार जयकारा करते हैं, बोल बंसी वाले की जय। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। और राधा रानी की, बिना इनके तो अधूरा है जयकारा, तो राधा रानी की जय भी हो गई। तो चलो यात्रा को शुरू करते हैं, और रास्ते में पड़ने वाले हर पड़ाव पे हम जो भी घटेगा वो सब आपको दिखाएंगे। शिवम भाई चलिए। हाँ राहुल भैया, अच्छा Let's go. खाना बस एक ही बोतल ला, पानी भर लेंगे ना, फिर वही मिलते हैं। अरे पानी अच्छा था मिलता है, तो बड़ी 2 लीटर की ली थी मेरे में, इनने बिगाड़ दी बोतल सारी यार हमारी। अरे चलो यार एक बार मिला लूं, अगर उठा ले तो उठा के घर पे रोके पूछ लेना, कहने को ये हो जाएगी नहीं गई। चलो घर के पास लोगे बोतल? बोतल तेरे घर पे 2 लीटर की पड़ी, बोतल तेरे घर पे 2 लीटर की, नशे में सही मिल जाता है पानी। अरे मिल जाएगा तुम चलो ना, ना मिलेगा हम देंगे। चलो पानी राहुल भैया घर के पास, चलो बीच हो जाएगी। वो सही कह रहा है, सही कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं होता। खर्चा करते रहो जी, आदमी मर जाएगा फिर।
चंडीगढ़ से 24 किलोमीटर चल के एक ग्लास में पहुंच गया है सफर हमारा। और यहाँ कुछ चाय पानी की व्यवस्था खोज रहे लड़के, मैंने चाहिए चाय पानी, इनसे पूछो पब्लिक क्या खाएगी, पब्लिक क्या मांगती, पब्लिक मांगती बस पेट भर गया कुछ मिल जाए। तो सुबह सब आए खाली पेट लेकर तो आए, लेकिन ये क्या कर केले वैसे गिलास जो है फेमस है, मैं बता दूं आपको, चमचम के लिए। चमचम एक मिठाई है जो कि इस कस्बे की, गिलास कस्बा जो अलीगढ़ में पड़ता है, यहाँ की फेमस है, मतलब हर जगह फेमस है। और यहाँ बहुत सी दुकानें देखो ऐसे इस तरीके से चमचम आ रही है, जिन्होंने ग्लोशाइन ये बोर्ड लगा रखे हैं, चमचम ही चमचम, श्री राधा चमचम, ननुआ मिठाई वाला, ननुआ मिठाई वाला चमचम, पचौरी चमचम वाले, श्री पचौरी चमचम वाले, रग्गा सेठ जो कि आगे सबसे पहले चमचम बनाने वाले हैं, रग्गा सेठ के पिताजी, जो पिताजी नहीं रग्गा सेठ ने ही इसका इन्वेंशन करा था, खोज करी थी चमचम की, और आज पूरे दुनिया में फेमस हो गई ये मिठाई। हाँ ये आदमी हमारा भूख की वजह से बीमार हो गया है, दस्त हो रहे हैं। अरे यार आजू भाई ऐसे नहीं करो तुम, हो रहा है भैया दवाई की कह रहा है। अरे चलिए तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा वो कह रहा है। ठीक है जी, मिलते हैं आगे। तो कहता चल जाना है ता जा, नी को गल मारे चल तू, पियां ने लड़ लड़ के तुम्हारा फोन आ गया, वैसे दिल च सी एक दूजे वास्ते वफा। तो भाई राय पहुंच चुकी है सवारी, राया पड़ता अलीगढ़ से 40 किलोमीटर के आसपास, यहाँ खाएंगे कचौड़ियाँ, यहाँ खाएंगे कचौड़ी। वैसे तो मैं लेकर आया था पूड़ी, लेकिन पूड़ी को ये खाएंगे नहीं, इन्हें खानी है आगे खस्ता कचौड़ी, क्योंकि राय की फेमस है, और आलू की जलेबी। तो ठीक है, तो अभी गाड़ी लगा रहे हैं और पीछे दुकान है, खस्ता खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। 30 किलोमीटर अभी रह गया है यहाँ से गोवर्धन। आओ आ जाओ, खस्ता खाएगा ना, पूड़ी खाएगा, पूड़ी भी है ना वो खस्ता है। ओ जी आसिफ भाई टेस्ट कर, टेस्ट कर, टेस्ट कर, बता दियो खस्ता ले लेंगे, खस्ता बढ़िया है, बढ़िया ठीक है, लो शिवम लो खस्ता लो, लो लो। अरे वकील साहब आओ, मेरे खस्ता दे दो, मेरे खस्ता दो, सबको खस्ता दो। मैं आ रहा भैया, दे दो तुम लोग ना भैया, एक और दे देना, एक और दे दो। अब हमें भी दिखा देना, हस्ते का स्वाद लेते हुए। वाह भैया, भैया एकदम मजेदार। ये वकील साहब हैं, कर लो जीवा मत, मुझे जेब में रख लो, उसे दबा दो एक बार, दवाई रखो, दवाई रखो तेज, गिरा सब्जी गिर रही, दवाई रखो देर तक, राइट दबाओ देर तक, देर तेज दबाओ से बटन को, ए बटन नहीं दब रहा, दवाई रख। हाँ इनकी जाओ सही करो, लाओ जी भैया पूरी रख दो। ये आटे की है, आटे की पूरी गर्म है एकदम, शर्माओ नहीं कुछ बोलो, तुम्हारे शब्द चाहिए इसमें। आटे में ही, आटे में हो
तेरा रहता है यहाँ का बढ़िया 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 है एकदम बस। तो भैया आप पेश कर रहे हैं जलेबी और सब्जी। हाँ बढ़िया है। जबरदस्ती बस वीडियो में दिखाने के लिए बढ़िया मेरे ना ना टेस्ट आ रहा है। अरे मोदी का मजा आया था। चलो जी नाश्ता हो गया, लेट हो रहे हैं, आओ निकलते हैं, अभी 30 किलोमीटर रह गया। तो राय में अभी हमने नाश्ता किया सुबह का, यहाँ श्री गोपाल के नाम से एक दुकान है मेन चौराहे पर। तो आटे और मैदा की पूड़ी और खस्ता ये बेचते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी और सब्जी, वाकई मज़ा आ गया सभी को। तो अब यहाँ से करीब 30 किलोमीटर और गोवर्धन है। गोवर्धन के लिए दो रास्ते हैं, एक तो वृंदावन होके सीधे जा सकते हैं और एक मथुरा होके। तो मथुरा होके जो रास्ता है वो ख़राब है, तो उधर होके हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वृंदावन। वृंदावन से फिर सीधे निकलेंगे आपके गोवर्धन के लिए। तो अगर आप भी जा रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, आगरा से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो आप वृंदावन वाले रास्ते से जो गोवर्धन को रास्ता है उस पर होके ही जाओ, क्योंकि वो रास्ता बहुत बढ़िया, रोड कंडीशन एकदम फर्स्ट क्लास है। तो हम भी वहीं होके निकल रहे हैं, नाश्ता पानी सब ने कर लिया है, तो अब ये सफ़र जल्दी हमें पूरा करना है, क्योंकि वापसी भी हमारी शाम को ही है, क्योंकि शाम तक हमें गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा के पूरी करनी है। तो चलिए जी चलते हैं। पानी से बहते हैं आशिक मिजाज है, इश्क में रहते हैं आशिक मिजाज है। तो जी पहुंच गए हम छटीगढ़ पे, और सामने जो ये हाईवे आप देख रहे हो ये दिल्ली से आ रहा है, सीधे आगरा वाला दिल्ली आगरा हाईवे है जो पलवल होके आ रहा है, और बस इसी के नीचे से हम जाएंगे, आगे निकलेंगे गोवर्धन वाले रोड पर। कितने रुपए पार्किंग है? 100 रुपए। उतार ले चप्पल। हाँ जी, तो पहुँच चुके गोवर्धन, गाड़ी पार्किंग में लगा दी, 100 रुपये शुल्क है, चार्ज है 12 घंटे का, ये यहाँ के चार्जेस हैं पार्किंग के, सभी पार्किंग के 100 रुपये। और हम में से कुछ लोग जूते में लगाएंगे पहन के, मैंने तो अपने नंगे पैर हूँ, शुभम ने नंगे पैर लगाएंगे, प्रथम भाई हमारे जूते में हैं, ये दोनों पीछे वाले लोग जूते में हैं, जूते में लगाएंगे। दान घाटी मंदिर है वो, गाड़ी पार्किंग में लगा दी और निकल ली है मंदिर के लिए, दान घाटी मंदिर जो कि यहाँ का मुख्य मंदिर है, वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होगी। 7 कोस की परिक्रमा है, 21 किलोमीटर टोटल दर्शन करेंगे दान घाटी मंदिर के, उसके बाद में परिक्रमा स्टार्ट करेंगे सभी। हम में से 2 लोग जूते पहन के लगा रहे हैं और हम 2 नंगे पैर, कोई बड़े हम बड़ा बन के दिखाना चाह रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं हम मुख्य मंदिर पर गोवर्धन महाराज के, जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होगी, दान घाटी मंदिर। ये सामने आप देख रहे हैं दान घाटी मंदिर, बहुत ही खूबसूरत और विशाल मंदिर है। चलें, चलो आओ दर्शन कर ले, आ जाओ, आओ 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 दर्शन करें। संडे की वजह से भीड़ है।
ये देखिए संडे है आज तो भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत है। दूध चढ़ाया जाता है।